हेलो स्टूडेंट्स मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर आज मैं आपको क्लास ट्वेल्व सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर सिक्स स्टाफिंग में सिलेक्शन टॉपिक कौन सा हम आज का हमारा सिलेक्शन सिलेक्शन का टॉपिक कराने जा रहा हूं ठीक है स्टूडेंट्स तो चलिए इससे पहले कि मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूँ ये टॉपिक स्टार्ट करूँ आज इस वीडियो में मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर और लाइक like करना ना भूलें तो चलिए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं जिसका नाम है सलेक्शन सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग मोस्ट प्रोमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन जो सिलेक्शन uh, है वो एक मोस्ट प्रामिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को ढूंढने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है ताकि हम अपनी वेकेंट जॉब जो, जो खाली जो पोजिशन पड़ी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उसको भरा जाए सो सलेक्शन प्रोसेस एज एंड रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट फंक्शन या रिक्रूटमेंट फंक्शन का एंड रिजल्ट कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के जिसमें ऑर्गेनाइजेशन लार्ज नंबर के एप्लीकेशन रिसीव करते हैं एंड सिलेक्शन प्रोसेस बिगिन एट दिस स्टेज ऑफ स्क्रीनिंग और उनकी एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग के साथ इसको शुरू करते हैं स्क्रीनिंग का मतलब उसको चेक करने के इन सिलेक्शन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स इज जनरली मोर देन द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स क्वाइट ऑब्वियस रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं सेलेक्टेड कम होते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको किसी जॉब के लिए सौ एप्लीकेशन आई हैं तो आप आठ या दस को ही बुलाओगे ना सौ के सौ को तो हम इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे ना या इवन अगर टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं तो सौ का टेस्ट के बाद इंटरव्यू के लिए तो टॉप के दस पंद्रह बंदों को ही बुलाएंगे ना सो रिजेक्टेड लिस्ट लंबी हो गई लास्ट हो जाती है ज़्यादा लोग होते हैं उसमें और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसकी लिस्ट शॉर्ट होती है और उनमें से हम आगे उनको बुलाते हैं सो इट इज दैट इज वाई सिलेक्शन इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव प्रोसेस इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये एक नेगेटिव प्रोसेस है तो अब सिलेक्शन के प्रोसेस को मैं आपको बताता हूँ उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं सबसे पहले सिलेक्शन में जो इन्वॉल्व है उसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब इट इज डन टू इलिमिनेट अनक्वालिफाइड एंड मिस फिट कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म मतलब इस प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जिस जॉब के लिए हमने एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाए हैं और जो बंदे जो कैंडिडेट उनको फिल कर रहे हैं क्या वो अनक्वालिफाइड है तो उनको डिस्कार्ड कर देंगे उनको उस जॉब के लिए हम नहीं कॉल करेंगे मिसफिट है, किसी भी तरीके से क्वालिफिकेशन वाइज एक्सपीरियंस वाइज ठीक है तो हम उनको नहीं बुलाएंगे उसके बाद दूसरा स्टेप है सिलेक्शन टेस्ट द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर्स टू कंडक्ट रिटन टेस्ट टू फाइंड आउट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करती है रिटर्न टेस्ट के लिए ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज कैंडिडेट की पता की जा सके द टाइप ऑफ टेस्ट टू बी कंडक्टेड डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पे बेस्ड होती है द कंपनीज कैन गो फॉर देर ओन टेलर में टेस्ट उनके अपने टेलर में टेस्ट होते हैं जो खुद उन्होंने डिजाइन किए होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए द कॉमन टेस्ट ऑफ टेस्ट इज यूज टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आईक्यूज का मेजर करने के लिए होता है किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का इट इज एन इंडिकेटर ऑफ जजिंग दर्सन एबिलिटी टू टेक डिसीजन ये एक वो इंडिकेटर है जिससे हम किसी पर्सन की जजमेंट या उसकी जज करने की एबिलिटी को डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को चेक करते हैं उसके बाद दूसरा टाइप का टेस्ट हो सकता है एप्टीट्यूड टेस्ट दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट पोटेंशियल ऑफ लिविंग लर्निंग न्यू इन द कैंडिडेट हाउ क्विकली द कैंडिडेट कैन लर्न न्यू स्किल्स मतलब ये जानने के लिए कोई एक व्यक्ति के अंदर लर्निंग स्किल्स कितनी है स्किल्स कितनी है और वो नई जॉब को कितना क्विकली सीखने के लिए या नए मेथड को सीखने के लिए उत्सुक रहता है या सीख पाता है दिस टाइप ऑफ टेस्ट हेल्प्स टू नो हाउ द कैंडिडेट विल परफॉर्मिंग इन फ्यूचर कि वो फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगा उसको देखे के ठीक है उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट ये ह्यूमन बिहेवियर को चेक करने के लिए होता है द टेस्ट रिलेट्स टू उसकी इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड एटीट्यूड इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट द साइकोलॉजिकल टेस्ट दिस टाइप टेस्ट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द अप्रोच ऑफ द कैंडिडेट वेदर कैंडिडेट का उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है अप्रोच है या नेगेटिव अप्रोच है एंड हाउ मच इनिशिएटिव ही विल बी टेकिंग वाइल परफॉर्मिंग द जॉब सो द मोटिवेशन लेवल ऑफ द कैंडिडेट इज ऑल्सो टेस्टेड थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट ठीक है इस टेस्ट के थ्रू उसका मोटिवेशन लेवल भी चेक किया जाता है उसके बाद है डी ट्रेड टेस्ट दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल किसी एक इंडिविजुअल की स्किल्स को चेक करने के लिए होता है इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द नॉलेज लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशेंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कि उस प्रोफेशन के बारे में जिसके लिए वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसके बारे में वो कितना जानता है और टेक्निकली उसको कितना उस जॉब या उस रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में पता है उसके लिए ट्रेड टेस्ट उसका लिया जाता है ठीक है जी बेटा चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं उसका इंटरेस्ट टेस्ट सो इंटरेस्ट टेस्ट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट टेस्ट स्टूडेंट्स क्या होता है दिस इज द टेस्ट कंडक्टेड टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ जॉब इन विच कैंडिडेट हैज़ मोर इंटरेस्ट कि, कि किसका उसका इंटरेस्ट किस में है एज ऑल द पीपल हैव फैसिनेशन फॉर सम जॉब और दैन द अदर फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ कि अकाउंट्स में ही डिपार्टमेंट में किसी पर्सन को रखना है अगर उसका इंटरेस्ट है कि अभी उसको बैठ के काम करने वाला जा, काम चाहिए तो उसको हम ठीक है Uh, टेली पंचिंग का काम दे सकते हैं वॉचर मेकिंग का काम दे सकते हैं कैश बुक मेंटेन करने का काम दे सकते हैं और यदि किसी का इंटरेस्ट वर्किंग फील्ड में है तो हम उसको बैंक से रिलेटेड इनकम इंक, टैक्स से रिलेटेड ठीक है जी और जीएसटी से रिलेटेड ऐसी फील्ड्स में ताकि उसको बाहर भी रहे वो घूमता फिरता भी रहे और उसका उस जॉब्स में करने में मज़ा भी आता है और वो काम भी करता रहेगा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द टेस्ट आर कॉल्ड इंटरव्यू जो टेस्ट क्वालिफा कर एक ही एक या दो हो सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए okay. अब तीसरायमेंट इंटरव्यू जब कोई कैंडिडेट टेस्ट को पास कर जाता है तो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है टू कंडक्ट दाइनल इंटरव्यू पैनल ऑफ एक्सपर्ट इज कॉल्डेंट हुई इन दियर फील्ड आस क्वेश्चन फ्रॉम द कैंडिडेट टू टेस्ट हिज प्रोफेशनल नॉलेज तो जो उस एरिए के उस फील्ड के स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट होते हैं वो उसे क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्टली उसकी प्रोफेशनल नॉलेज को जानने के लिए इंटरव्यू इंटरव्यू गिव्स चांसेस टू चांस टू कैंडिडेट आल्सो क्लैरिफाइ देर क्वेरीज उसकी क्वेरीज को, को दूर करने के लिए समझाने के लिए उसको कि उसकी कितनी सैली मिलेगी उसकी वर्किंग कंडीशन क्या होगी और उसको कहाँ पोस्ट किया जाएगा उसके बाद चेकिंग रेफरेंसेज एंड बैकग्राउंड इन द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट इज आज चौथे पॉइंट में इज आज टू गिव द नेम ऑफ टू रेफरेंस उसको एटलीस्ट दो रेफरेंस देने होते हैं इन द कैंडिडेट इफ द कैंडिडेट क्वालिफाइज द इंटरव्यू दैन द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू चेक द रेफरेंस अबाउट द पर्सनल करेक्टर ऑफ द कैंडिडेट द ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट विद द रेफरेंस तो उस रेफरेंस के साथ उसको क्रॉस चेक किया जाता है ठीक है कि वो क्या व्यक्ति कहीं कोई झूठ तो नहीं बोला क्या पीछे कोई किसी कंपनी में फ्रॉड करके तो नहीं आया ठीक है जी या उसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा क्योंकि सीधा तो व्यक्ति कोई नहीं कहेगा ना कि मेरे ऊपर केस चल रहा है तो इसलिए उसे दो रेफरेंस मांगे जाते हैं उसकी बैकग्राउंड को जानने के लिए उसके बाद है सिलेक्शन डिसीजन द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक्स आर इंक्लूडेड इन सिलेक्शन टेस्ट एंड मैनेजेस सिलेक्शन टेस्ट सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन किया जाता है कि जो कैंडिडेट टेस्ट और इंटरव्यू और रेफरेंस को पास कर लेते हैं उनका फिर नाम आगे मैनेजर्स चूज कर लेते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं फाइनल डिसीजन लेने के लिए ठीक है जी उसके बाद हम आगे बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर गिविंग अपॉइंटमेंट लेटर टू द कैंडिडेट सेलेक्टेड कैंडिडेट आर सेंट फॉर मेडिकल फिटनेस सम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट अपॉइंट देयर ओन डॉक्टर्स वो अपने खुद डॉक्टर अपॉइंट करते हैं टू डू द टेस्ट एंड सम साइंस कॉन्ट्रैक्ट विद द हॉस्पिटल टू डू द टेस्ट और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं हॉस्पिटल के साथ उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए ताकि पता चले कि व्यक्ति जिस काम के लिए रखा जा रहा है वो फिट एंड फाइन है भी है या नहीं ओके जॉब ऑफर द एप्लीकेंट हु क्लियर द मेडिकल टेस्ट आर गिवन जॉब ऑफर आफ्टर द लेटर ऑफ थ्रू लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट का फिर उनको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे दी जाती है जब वो मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर लेता है इन दिस लेटर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसके टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ जॉब आर मैंशन जनरली आर रीजनेबल टाइम ताकि उसको एक एक रीजनेबल टाइम भी दिया जाता है कैंडिडेट को उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट लास्ट में वेन कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर इटर्स रेफर्स टू साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट उसको जो एक जॉब ऑफर दिया जाता है उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं वाइल साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट एक्सचेंज सर्टन डॉक्यूमेंट्स वो कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ते हैं एक दूसरे को ठीक है द कॉमन कंटेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट आर जॉब टाइटल ड्यूटीज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी उसका पे उसके अलाउंसेज उसके आवर्स ऑफ वर्क ठीक है उसके लीव रूल्स छुट्टियाँ कब लेगा उसके डिसिप्लिनरी रूल्स उसके प्रोबेशन पीरियड मतलब कि कितने पीरियड उसको ऑब्जर्व किया जाएगा उसके बाद उसकी जॉब को पक्का माना जाएगा ठीक है जी ओके okay जी तो ये सारे पॉइंट थे सिलेक्शन के प्रोसेस के तो एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ पूरे प्रोसेस को तो स्टूडेंट्स आपको जैसे ही पता ही है कि ये प्रोसेस जो होता है वो सीकस में होता है इसको हम अपने हिसाब से या अपनी मर्जी या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब हिसाब से नहीं लिख सकते तो ये पॉइंट आपको ऐसे के ऐसे ही याद करने पड़ेंगे ठीक है जी तो मैं एक बार दोहरा दोबारा दोहरा देता हूँ ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस में पहला क्या आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग दूसरा क्या आता है सिलेक्शन टेस्ट तीसरा क्या आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू चौथा क्या आता है चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड पांचवा क्या आता है सिलेक्शन डिसीजन छठा क्या आता है मेडिकल एग्जामिनेशन सातवां क्या आता है जॉब ऑफर्स आठवां क्या आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ठीक है स्टूडेंट्स तो ये था सारा टॉपिक सिलेक्शन का आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा आप अगले टॉपिक्स के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहिए ओके okay जी डन